हाँ तो देखो अपने को पढ़ना है यूमन हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम तो हार्ट का मैंने बताया था हार्ट में मैं डायग्राम सुंदर सा बना रहा हूँ डब्बा जैसा क्योंकि तो मेरे से हार्ट का डायग्राम बनाते नहीं आता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत कम ही लोग अपनी कमियां एक्सेप्ट करते हैं नहीं तो जिसको देखो मम्मी का परा पापा की परी है ना ऐसा रहता है देखो यहाँ पे तो ये आपका सपोज हार्ट है दो चेम्बर होते हैं मतलब टोटल फोर चेम्बर है ऊपर वाले होते हैं ओरिकल और, और नीचे वाले वेंट्रिकल ये बताया था मैंने ये लेफ्ट ओरिकल, ये लेफ्ट वेरिक वेंट्रिकल सिमिलरली यहाँ पे राइट ओरिकल और, और राइट वेंट्रिकल ठीक है अब लेफ्ट पार्ट में कौन सा ब्लड रहता है बेटा ऑक्सीजनेटेड राइट right पार्ट में कौन सा ब्लड रहता है डी ठीक है अच्छा ये जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व होती है ऐसे करके इसको अपन बोलते हैं बाइक वॉल्व बाइक सिमिलरली राइट ऑरिकल और राइट एंड वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व वॉल्व की स्पेलिंग है वी ए एल वीई वॉल्व यहाँ पे एक वॉल्व होती है इसको अपन बोलते हैं ट्राइक वॉल्व ठीक अच्छा ऊपर पे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट है लंग्स आपके और नीचे क्या प्रेजेंट है नीचे आपकी पूरी बॉडी प्रेजेंट है ठीक ये आपकी कैपिलरीज हैं कैपिलरी की थिकनेस कितनी होती है वन सेल थिक और जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो कैपिलरी के थ्रू ही होता है ठीक है अच्छा देखो कैसा काम करता है बॉडी ये जो लेफ्ट ऑरिकल है इससे एक मोटी सी या सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं एओर्टा क्या बोलते हैं एओर्टा आप बुक में डायग्राम देख लेना दिस इज कॉल्ड एओर्टा दिस इज द बिगेस्ट आर्टरी फिर एओर्टा फर्दर डिवाइड होती है आर्टरी में आर्टरी फर्दर डिवाइड होते हैं पतले आर टीरियोल में और आर टीरियोल फाइनली बनाते हैं ये कैपिलरी आपकी कैपिलरी आपकी वन सेल थिक होती है और हर सेल से कनेक्टेड होती है और कैपिलरी के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है सेल और ब्लड के बीच में उसके बाद ये जो कैपिलरीज हैं ये फाइनली क्या बनाती हैं यहाँ से ये वेन्स बनाती हैं तो सबसे पहले वेन्स में सबसे पतली वेन बनती है वेनियोल ये सबसे पतली वेन है फिर वेनियोल कंबाइन करके बनाते हैं वेन्स और वेन्स फाइनली मिलके बनाती हैं सबसे बड़ी वेन जिसका नाम है वेना अरे थोड़ा ये गलत बट डायग्राम बन गया वेना कावा, वेना कावा वेना कावा वेरी गुड ठीक है अच्छा अब इसके बाद क्या होता है ये जो लंग्स हैं ये जो देखो यहाँ पे एक चीज ये जो एओर्टा है ना बेटा ये एओर्टा कहाँ पर है ये वेंट्रिकल में है कहाँ पर है ये आपका वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक है, है अच्छा और ये जो वेना कावा है ये आपके राइट ऑरिकल में आई है ये चीज ध्यान देना फिर क्या होता है ये जो लंग्स है ये आपका राइट वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल से एक आपकी ब्लड वेसल जाती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी क्या नाम है पल्मोनरी आर्टरी जो मैंने बनाई पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है ये कौन सा ब्लड ले जाती है डी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां से ले आती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले आती है लंग से क्या होता है सीओ टू आपकी बाहर निकल जाती है और अंदर कौन सी गैस आती है ऑक्सीजन Oxygen. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट और में इसको कौन लाता है बेटा इसको लाता है पल्मो नरी वेन और ये वाला ब्लड ये जो सीओ टू वाला ब्लड ये कौन ले जा रहा है ये ले जा रहा है पल्मो नरी आर्ट्री ये ध्यान रखना तो ये एक्सेप्शन है जनरली आर्टरी ओटू वाला ब्लड ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीओक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है कहां से ले आती है राइट right वेंट्रिकल से लंग्स तक पे सिमिलरली वे हमेशा कौन सा ब्लड ले आती है सीओ वाला लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग्स से और कहां पे लाती है लेफ्ट ऑरिकल में लाती है ठीक है तो ये आपके हार्ट के कनेक्शन हो गए एक चीज और ये जो एओरटा है एओरटा में एक वॉल्व होती है जिसको अपन बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें भी एक वॉल्व है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व ठीक ये आपका हार्ट का बेसिक सिस्टम हो गया अब देखो होता क्या है हार्ट में है डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन मतलब सेम ब्लड हार्ट के दो बार चक्कर लगाता है क्यों लगाता है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो जाए ऐसा अपन क्यों करना चाहते हैं क्यों क्योंकि अपनी बॉडी बहुत बड़ी है पहली चीज बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाँ मतलब कहने का मतलब अपने को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो एनर्जी ज्यादा तभी मिलेगी जब रेस्पिरेशन ज्यादा होगा रेस्पिरेशन ज्यादा कब होगा जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी ऑक्सीजन ज्यादा कब होगी जब ऑक्सीजन वाला ब्लड और सीओ टू वाला ब्लड अलग अलग ट्रेवल करेंगे ऑक्सीजन के साथ सीओ टू मिलनी नहीं चाहिए नहीं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि आपन कैसे एनिमल है है आपन वार्म ब्लडेड तो अपनी अपनी बॉडी में एक बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हीट में ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहे तो इसलिए हमें जो कोल्ड ब्लडेड है जैसे फिश है तो फिश के कंपैरिजन में हमको एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि तो एक ग्रेट चंक ऑफ एनर्जी हमारा हीट या टेम्परेचर रेगुलेट करने में निकल जाता है तो इसीलिए O2 और CO2 वाले ब्लड को अलग करना जरूरी है क्लियर है चीज़, चीज़ ठीक ठीक है? है? हम्म। तो तो, तो डबल डबल सर्कुलेशन सर्कुलेशन के दो पार्ट बेटा इसको याद कर लेना। मैडम देंगी पेपर में, में अगर टेस्ट में हुआ ठीक है? अच्छा, हाँ, सबसे ये बताओ। तुम टर्म वन एमसी देना पड़ेगा और

ओके yes, okay, चलो वेरी गुड ठीक है अब मैं हर चैप्टर के एमसीक्यू सौ दो सो करवा दिया करूंगा ठीक है चलो अभी खैर पढ़ा देते हैं हाँ, अब देखो क्या होता है डबल सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट हैं एक है सिस्टमिक सिस्टमिक मतलब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाता है पूरी बॉडी में जाता है इसको अपन बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है लंग्स में जाता है तो वो सेम ब्लड है देखो ये एक बार आया ये घुमा यहाँ गया वापस ये लंग्स में गया फिर वापस लंग्स में आया तो ये दो बार सर्कुलेट हुआ एक बार बॉडी में सर्कुलेट हुआ तो वो सिस्टमिक हो गया और एक बार लंग्स में सर्कुलेट हुआ तो पल्मोनरी हो गया इसी को अपन डबल सर्कुलेशन बोलते हैं और क्यों करवाते हैं डबल सर्कुलेशन टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीटेड ब्लड क्लियर है चीज़ तो डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है बन जाएगा हम्म बताइए अरे तुम so, system, में कहा कहां जाता है सिस्टम सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है सिस्टम मतलब आपकी बॉडी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है कैपिलरी में जाएगा ये अभी ओ वाला ब्लड है कैपिलरी में क्या होता है चीजें एक्सचेंज होती हैं ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है और सेल से ब्लड में क्या आ जाता है सीओ टू फिर ये सीओ टू वाला ब्लड वापस आपके आ, राइट में आ जाता है तो ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन जब ब्लड आपका बॉडी में घूम रहा है और फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है फिर राइट वेंट्रिकल पंप करता है और ये ब्लड जाता है लंग्स में फिर सीओ टू बाहर चली जाती है ओ टू अंदर आ जाती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जो पंपिंग हुई वो सिस्टमिक है और राइट right वेंट्रिकल से इसी ब्लड की जो लंग्स में पंपिंग हुई वो पल्मोनरी है क्लियर है यस सर ओके अब देखो आगे बढ़ते हैं अब देखो ये जो पूरी हार्ट की साइकिल है ना ये ऐसा नहीं है कि एक बार ब्लड लंग्स से इसमें आता है फिर ये यहाँ पंप करेगा ऐसा ऐसा नहीं है सब कुछ साइमल्टेनियसली एक साथ चलता है सबसे पहला देखो तीन स्टेप में होता है सब बता देता हूं सबसे पहला है एट्रियल एट्रियल बोलो और एकल बोलो बात एक ही एट्रियल डायस्टोल शायद स्पेलिंग गलत हो गई बट डायस्टोल लिख लेना ठीक है सुन लो दो चीज होती है हार्ट में एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल तो इसको एट्रियल ना बोल के इसको ज्वाइंट कर दो सॉरी ज्वाइंट सुन लो सबसे पहला स्टेप क्या है जॉइंट डायस्टोल मतलब जो पूरा हार्ट है मतलब दोनों आपके ऑरिकल हो गए और दोनों आपके वेंट्रिकल ये दोनों क्या करेंगे ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो ब्लड कहां से आएगा लंग्स से पल्मोनरी वेन ओ टू वाला ब्लड लाएगी लेफ्ट ऑरिकल में सिमिलरली ये वेना कावा कहां से ब्लड लाएगी बॉडी से कहां पर राइट ऑरिकल में फिर से सुन लो पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आएगा ये पहला पार्ट ही है और वेना कावा से डी ऑक्सीजनेकल में आएगा ये पहला स्टेप हो गया इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल मतलब पूरा हार्ट रिलैक्स करता है और आपके ऑरिकल ब्लड रिसीव करते हैं एक नंबर का सवाल आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल तो ऑरिकल क्या होते हैं बेटा ऑरिकल होते हैं ब्लड रिसीविंग चेंबर और वेंट्रिकल क्या होते हैं ब्लड पंपिंग चेंबर वेंट्रिकल का फंक्शन है ब्लड को पंप करना और ऑरिकल का फंक्शन है ब्लड को रिसीव करना ठीक है क्लियर है चीज तो ये पहला फंक्शन हो गया ठीक है ज्वाइंट डायस्टोल अब क्या होता है जैसे ब्लड यहाँ ऑरिकल में आया कुछ ब्लड अपने आप इन वॉल्व के थ्रू बहते बहते वेंट्रिकल में चला जाता है लेकिन कुछ ब्लड ऐसा होता है जो अभी भी ऑरिकल में रहता है तो अब इस जो लेफ्ट ओवर ब्लड है इसको मुझे वेंट्रिकल में पहुंचाना है अपने आप तो पहुंचेगा नहीं तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा दूसरे स्टेप में एक मिनट ना एक मिनट यार व्यू मेरे को स्क्रीन साइज छोटा करना है ओ यही छोटा हुआ कोई बात नहीं इट्स ऑल ऑल राइट इज फेयर इन लव एंड वॉर तो देखो यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या होगा दूसरे स्टेप में अब ये जो ऑरिकल है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दूसरा स्टेप का नाम आपका हो गया एट्रियल या ऑरिकल सिस्टोल ऑरिकल भी आप लिख सकते हो सिस्टोल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना अब जैसे ये दोनों ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और डी वेंट्रिकल right right में और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से जाएगा राइट right वेंट्रिकल में ये सेकेंड पार्ट हो गया अब सुन लो अब ये ब्लड जैसे वेंट्रिकल में गया वेंट्रिकल का मेन फंक्शन क्या है ब्लड को पंप करना और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाएगा एओर्टा में राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में लेकिन भैया यहाँ तो स्पेस है ना तो अगर कोई चीज पंप होगी तो डायरेक्शन थोड़ी दिखेगी तो जो ब्लड है वो आपका वापस से औरल में जंप कर सकता है मुझे जंपिंग अवॉइड करनी है तो ये जो वॉल्व है ना ये ट्राइक स्पेड वॉल्व और ये बाई कस्पिड वॉल्व जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये दोनों बंद हो जाती हैं ऐसे बंद हो गई क्यों बंद होती हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो वॉल्व का मेन फंक्शन है ब्लड का बैक फ्लो रोकना ठीक है क्लियर है चीज सभी को हम्म अर्चिता हार्दिक संकेत संभवी yes, ओके yes, तो ये जब एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे पूरा ब्लड वेंट्रिकल में जब आ जाएगा तब ये बाइक और ट्राइकस्पिड बंद हो जाएंगी और इनके बंद होने से पहला साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट का जिसको अपन बोलते हैं लुब है ना दो साउंड होते हैं लुब डुब जिसको अपन वो गाना नहीं है माधुरी का धक धक करने लगा तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं लुब डुब करने लगा है ना ऐसा गाना love, love, storm, है नहीं लुब दुग दुग बोलते हैं ना तो दे। देखो अब वही चीज है सबका अलग अलग प्रोनाशिएशन है किसी को धक धक सुनाई दे रहा है किसी को लब डब किसी को लव डब तो उस उसपे आपन कमेंट नहीं कर सकते बट स्पेलिंग यही है लुब डुब एल यू डबल बी डी यू डबल बी ठीक है तो पहला साउंड कब प्रोड्यूस होगा जब आपके बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वॉल्व बंद होते हैं क्यों बंद होते हैं ताकि वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड का बैक फ्लो ना हो तो ये पहला साउंड लुप प्रोड्यूस हो जाएगा अब थर्ड स्टेप क्या आएगा बेटा थर्ड स्टेप आएगा वेंट्रीकुलर सिस्टोल वेंट्रीकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड है वो जाएगा एओर्टा में कौन सा ब्लड है ब्लड और पूरी बॉडी में जाएगा और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा लंग्स में जाएगा अच्छा अब एक बार ब्लड चला गया ऑल दो प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है बट फिर भी चांसेस है यहां पर भी ब्लैक बैक फ्लो होने के तो अभी मैंने क्या बताया एओर्टा में होती है एओर्टिक वॉल्व कौन सी वॉल्व होती है एओर्टिक वॉल्व और ये पल्मोनरी जो आर्टरी है इसमें होती है पल्मोनरी वॉल्व कौन सी वॉल्व होती है पल्मोनरी वॉल्व तो अब जैसे ब्लड इसके अंदर चला जाता है अब ये दोनों वॉल्व बंद हो जाती हैं और जब ये दोनों वॉल्व बंद होती हैं ऐसे करके तो दूसरा साउंड आता है जिसका नाम है डुब तो लुब साउंड कब आता है जब बाइक और ट्राइकस्पिड स्पीड वॉल्व बंद होती हैं और डब साउंड कब आता है जब एोर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व बंद होती हैं क्लियर है चीज हम्म yes, yes, तो फिर क्या होगा फिर ब्लड ऐसे जाएगा पूरे दिल में फिर यहां से दिल से यहां से पंप हुआ ये कैपिलरी में जाएगा एक्सचेंज होगा वापस से सीओ टू वाला ब्लड यहाँ लौटेगा ये वाला ब्लड लंग्स में गया लंग्स सीओ टू बाहर चला गया अंदर आ गया फिर ब्लड तो ऐसे साइकिल चलती रहती है तो ये तीन स्टेप हैं जॉइंट डायस्टोल मतलब पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा एट्रियल सिस्टोल मतलब आपके ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो बचा हुआ ब्लड उसको वेंट्रिकल में भेजने के लिए और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ भेजेगा पूरी बॉडी में और राइट वेंट्रिकल ब्लड कहाँ भेजेगा हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल किसके थ्रू ब्लड भेजता है एओटा के राइट right वेंट्रिकल किसके थ्रू ब्लड भेजता है पल्मोनरी आर्टरी के पल्मोनरी ऐसी आर्टरी है एक्सेप्शन है पूरी बॉडी में जो सीओ टू वाला ब्लड ले जाती है और पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ओ वाला ब्लड दिल के पास लाती है क्लियर है चीज हम्म hmm? अच्छा Yes, उस, sir. हाँ उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन आता है कि जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक होती है वेंट्रिकल की जो वॉल है आप डायग्राम देखना हार्ट का तो वेंट्रिकल की वॉल ऐसे थिक है बहुत मोटी है और जो ऑरिकल है उनकी वॉल थिन होती है ऐसा क्यों बताओ सर ऑर्गन हाँ भाई वेंट्रिकल को ब्लड लेफ्ट लेफ्ट ब्लड टू एंटायर बॉडी द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू ओनली लंग्स हाँ ये तो चलो ठीक है हाँ एक चीज और अच्छी बता दी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा मोटी होती है और राइट वेंट्रिकल की वॉल कम मोटी होती है वॉल मतलब दीवाले और ओरिकल की वॉल तो एकदम पतली होती है तो सॉरी ऐसा क्यों है क्योंकि वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है और जो ऑरिकल है उसको केवल वेंट्रिकल तक ब्लड पंप करना है इसलिए ऑरिकल की वॉल एकदम पतली वेंट्रिकल की वॉल मोटी फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट right वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मोटी है राइट right वेंट्रिकल की वॉल पतली है क्योंकि राइट वेंट्रिकल को केवल लंग्स तक पंप करना है बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में पंप करना है क्लियर है ये चीज हम्म बन जाएगा सब इसे बताइए ओके चलो ठीक है अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा ये हार्ट हो गया हार्ट बीट हो गया हार्ट बीट मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन हार्ट बीट होता है ठीक है एक लुब और एक डुब साउंड हार्ट बीट बना देता है ठीक अच्छा ये जो पूरी साइकिल है इसको होने में कितना टाइम लगता है जीरो पॉइंट एट सेकेंड एक हार्ट बीट जीरो पॉइंट एट सेकेंड की होती है देखो यहाँ पे या आप निकाल भी सकते हो एक जीरो पॉइंट एट सेकेंड में होती है एक हार्ट बीट एच बी तो एक मिनट मतलब 60 second, तो 60 में कितनी अपॉन मतलब 8 यहां रह गया 10 गया ऊपर चला अब इसको डिवाइड करो तो एट वन जाट सेवनजा फिफ्टी सिक्स फिर बचा 40, एट फोर जीरोनावन पॉइंट फोर आया सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन आपका आंसर आ गया 74 फोर सेवेंटी तो फोर हार्ट बीट पर मिनट ये आपका हार्ट रेट भी होता है ना हार्ट रेट इतना ही होता है ना सत्तर से अस्सी के बीच में तो इस प्रकार से आप हार्ट रेट या हार्ट बीट का रेट भी निकाल सकते हो खैर छोड़ो ये सब हायर क्लास का है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी आपका टेंथ में सिंपल पेपर आएगा एनसीईआरटी से रीड कर लेना बन जाएगा ठीक अब सुन लो आगे बढ़ते हैं अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट हार्ट था अब तीन बेटा ब्लड वेसल हैं एक होती है आर्टरी एक होती है वेन पहले अपन आर्टरी और वेन का डिफरेंस पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका डिफरेंस पेपर में आ सकता है ठीक इसको याद कर लेना भी बहुत इजी है बच्चों वाला काम एकदम एनी चाइल्ड कैन रीड चलो हार्दिक तुम हो ना क्लास में कि नहीं हो कुछ कहते नहीं हो तुम संकेत भी कुछ नहीं कहता केवल शाम्भी और अर्चिता बोलते हैं लड़कियां कम शाही होती हैं क्या लड़कों से लड़के आजकल ज्यादा शाही हो गए हैं हम क्यों <laughs> ऐसा हो गया क्या पहले की तो लड़कियां शाई हुआ करती थी कोई कुछ नहीं बोलता करता नहीं दूसरा कुछ बातचीत देखता हूं मैं जिससे वो चुप तेरी महफिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में चलो ठीक है तो ना पे आर्टरी और वेन सबसे पहले आर्टरी बेटा इसका मेन फंक्शन क्या है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट कहा लेती है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट हार्ट मतलब क्या होता है दिल ठीक है नेक्स्ट वेन वेन क्या करती है दे कैरी ब्लड टूअर्ड्स हार्ट ये पहला फंक्शन हो गया सेकंड फंक्शन जो है आर्टरी जनरली कौन सा ब्लड ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन क्या है इसमें एक्सेप्शन क्या है आर्टरी पर्म। जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है सिमिलरली वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करती जनरली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें एक्सेप्शन क्या है इसमें एक्सेप्शन है एक्सेप्शन याद कर लेना पेपर में आता है पक्का इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बन जाएगा थर्ड पॉइंट हाँ अब सुन लो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होता है क्योंकि पंप हो रहा है ना तो द ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर और वेन में आप क्या लिख दोगे द ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर लो प्रेशर। चौथा पॉइंट आर्टरी में क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो होता है तो जनरली बस एओर्टा में एक वाल्व है जनरली आर्टरी में वॉल्व नहीं होती है बस एओर्टा में है बाकी फिर पूरी बॉडी में आर्टरी में वॉल्व कहीं नहीं है क्यों क्यों बिकॉज ब्लड प्रेशर से फ्लो हो रहा है तो जल्दी बैक फ्लो नहीं होगा बल्कि वेन्स में ब्लड का प्रेशर एकदम कम हो जाता है तो वेन्स में आपकी वॉल्व प्रेजेंट होती हैं। वॉल्व क्या करती हैं ये करती हैं अवॉइड क्या अवॉइड करती हैं? ब्लड का ब्लैक बन जाएगा बताओ बिकॉजर yes, uh, so हाँ. Be... हाँ ये भी हाँ इसके बाद आ रहा हूं इस चीज पे आ रहा हूँ वेरी गुड चलो अब आर्टरी में क्या होता है ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो कैसी होती है थिक होती है अगर बहुत पतली रहेगी वॉल तो ब्लड वॉल को टीयर नहीं कर देगा और आपका पूरा खून बह जाएगा तो आर्टरी हैव थिक वॉल वेर एज वेन हैव थिन वॉल वेन की वॉल थिन होती है उसके बाद आप सुन लो क्योंकि आर्टरी बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को ले जाती है तो आपन ये चाहते हैं कि आर्टरी में कहीं भी स्क्रैच या चोट वोट नहीं लगे क्योंकि अगर आर्टरी में चोट लग जाएगी तो पूरा ब्लड आपकी बॉडी से बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा तो इसीलिए आर्टरी जो है आपकी बॉडी में डीपली सीटेड है बहुत अंदर है ऊपर नहीं है क्यों क्योंकि अगर हल्की सी चोट लग गई और आर्टरी कट गई तो जन्न से पूरा ब्लड स्पिल हो जाएगा वो देखा ना पिक्चरों में चाकू मारता है ऐसे गले पे तो पूरा कमरे में खून फैल जाता है देखा किसी पिक्चर में Have you seen that? नहीं देखा okay. नहीं देखा शायद चल ठीक कोई बात नहीं तो आर्टरी आर डीपली सीटेड वेर एज आर सुपरफिशियली सीटेड सुपरफिशियली मतलब ऊपरी तौर पे नहीं कहते ये लड़का बड़ा सुपरफिशियल है लड़की बड़ी सुपरफिशियल है बस पोजिंग मारता है या अप मारती है मारती तो सुपरफिशियली मतलब ऊपरी तौर पे तो जो आपको ये आपको नशे देखती है ना अपने हाथों में जितनी भी नशे यहाँ पे आती है ये सारी नशे वेन है अच्छा कलर वेन का जो कलर है वो ब्लू होता है क्यों ब्लू होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीओ टू और आर्टरी का कलर क्या होता है बेटा पिंक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ये कलर भी एक ध्यान रख लो इतना बनेगा सबसे हम्म yes. तो इतने पॉइंट अगर आपसे बन जाएंगे तो आपसे आर्टरी और वेन का डिफरेंस बन जाएगा क्लियर है एक चीज और है बेटा yes, ये देखो एक चीज होती है ल्यूमन ल्यूमन मतलब लिक्विड कितने क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है अरे डायग्राम गंदा बन गया सॉरी तो जो आर्टरी है उसकी वॉल थिक होती है जो लाइनिंग इसकी वॉल है और ये जो छोटा सा सर्कल है ना ये सर्कल दिखा रहा है कि कितने में से ब्लड फ्लो रहा है तो आर्टरी का जो ल्यूमन है ल्यूमन, जिससे ब्लड फ्लो रहा है 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 वो थिन होता है। है ना थिन क्यों है अगर थिन रहेगा तो ब्लड ज्यादा वेलोसिटी और प्रेशर से फ्लो करेगा वो देख रहे पाइप है पाइप का मुंह दबा दो तो पानी बहुत तेज आगे जाता है देखा है ना ये चीज यस सर तो वही चीज आर्टरी में उसका ल्यूमन थिन है ताकि ब्लड आपका हाई प्रेशर से फ्लो करे और वेन सॉरी वेन आपकी जस्ट अपोजिट है वेन का लूमन थिक होता है और ये इसकी वॉल में क्योंकि ब्लड आपका ज्यादा प्रेशर से फ्लो नहीं करता तो इसलिए इसका जो ल्यूमन है वो काफी थिक है या वाइड है और आर्टरी का ल्यूमन एकदम नैरो है ठीक बन जाएगा ये चीज आर्टरी वेन का डिफरेंस हुँ? ओके yes, अब नेक्स्ट आया लास्ट आपका बेटा आ गया कैपिलरी कैपिलरी अच्छा तो बताना भूल गया सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है एओर्टा और सबसे बड़ी वेन कौन सी है वेना कावा वेना सबसे कावा. सबसे छोटी आर्टरी कौन सी है आर्टीरियोल और सबसे छोटी वेन कौन सी है वेनियोल बन जाएगा ये चीज हम्म यस नेक्स्ट आ गया कैपिलरी सबसे पहले ध्यान रखना कैपिलरी की जो थिकनेस है वो होता है वन सेल थिक वन सेल थिकनेस इसकी जो इसका डायमीटर डायमीटर है इट इट इज इज इक्वल टू वन सेल थिक अब इतनी पतली क्यों है कैपिलरी ताकि हर सेल तक कैपिलरी पहुंच सके और मटेरियल का एक्सचेंज कर सके बन जाएगी चीज कैपिलरी आर वन सेल थिक एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सेल और वो कैसे पॉसिबल होता है क्योंकि वो बहुत पतली है बन जाएगा बेटा hmm? yes, sir. Hmm. एक yes. चीज और कैपेलरी क्या करती है कैपेलरी आर्टरी और वेन के बीच का जंक्शन है ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो कैपेलरी जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन ठीक एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड द सेल ठीक है जो मटीरियल एक्सचेंज होता है वो या तो डिफ्यूजन से हो जाएगा या तो ऑसमोसिस से हो जाएगा बन जाएगा कैपेलरी क्या होती है तो दीज आर द्री का इन योर सिलेबस दैट आर गिवन इसका थिकनेस याद करें ना इसके थिकनेस पे बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं वट इज द डायमीटर और थिकनेस ऑफ कैपेलरी तो कितना डायमीटर इट इज वन सेल थिक क्लियर है बेटा आगे बढ़े हम्म ओके yes, एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं फिर अपना ये सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा लास्ट जो टॉपिक बचा है बेटा वो बचा है लिम्फ अब बताओ मेरे को लिम्फ क्या होता है कौन बताएगा अर्चिता शाम्भवी संकेत साक्षी नहीं आई साक्षी ओके सर लिख के बस निकल जाती है हम्म बताओ क्या होता है बेटा हाँ सुन लो क्या होता है लिम्फ देखो क्या होता है मान लो ये कैपिलरी है पतली सी अब ये कैपिलरी यहाँ पे खूब सारे सेल है तो जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन से होता है अच्छा अब कोई भी जो प्रोसेस है वो सेल तो वैसे ही बहुत छोटे और पतले हैं तो एक मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ अगर मान लो तो एक बहुत पतले ढक्कन की बोटल है ये बोटल है और तुम इसमें पानी मान लो आप वो कर रहे हो इमर्स कर रहे हो तो क्या होता है कई बार पानी यहाँ साइड वाइड से टकरा के स्पिल हो जाता है ना हुँ? स्पिल हो जाता है ना पानी yes, आ, तो यही चीज है जब कैपिलरी ऐसे ब्लड कैरी कर रही है तो यहाँ पे मटेरियल का डिफ्यूजन होता है सेल के साथ क्या क्या डिफ्यूज होता है ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीजें होती हैं तो जब ये डिफ्यूजन होता है तो वही कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी प्रोसेस हंड्रेड परसेंट रिलायबल तो है नहीं तो ब्लड का कुछ कंटेंट स्पिल हो जाता है सेल के अराउंड ये जो स्पेस है सेल के अराउंड इसको अपन बोलते हैं इंटर स्टीशियल क्या बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस तो या तो आप इंटर सेलर बोल दो वैसे उतना अच्छा वर्ड नहीं है तो आप इंटरस्टीशियल स्पेस बोल दो तो व्हेनेवर द एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरी एंड द सेल्स इज टेकिंग प्लेस सम ब्लड का फ्लूइड इज गेटिंग स्पिल्ड इन द इंटरस्टीशियल स्पेस और यही बनाता है लिम्फ यही बनाता है लिम्फ तो लिम्फ जनरली क्या है इट इज ब्लड ब्लडी होता है माइनस इसमें होता क्या नहीं है आरबीसी नहीं होता और प्लेटलेट नहीं होता प्लेटलेट नहीं होते और जो बड़े प्रोटीन है वो भी प्रेजेंट नहीं होते बाकी जो लिम्फ है उसमें सारे कंटेंट ब्लड के हैं डब्ल्यू होता है आपका शुगर होते हैं सॉल्ट होते हैं अमोनिया होता है ये सब चीजें होती हैं, क्लियर है चीज लिम्फ क्या है हम्म आप सुन लो लिम्फ में आपके डब्ल्यू हैं ठीक है डब्ल्यू मतलब ल्यूकोसाइट तो अब लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है लिम्फ ये जो इंटरस्टीशियल स्पेस है इसको क्लीन रखता है भाई सेल के अंदर तो वो सब है बैक्टीरिया फाइट करने की ताकत लेकिन सेल के बाहर कौन सफाई करेगा अपने घर में से अपन अपनी सफाई कर लेते हैं कमरों में सॉरी कमरों में झाड़ू पोछा कर लेते हैं लेकिन यहाँ बॉडी में सेल के अराउंड झाड़ू पोछा कौन लगाएगा तो यहाँ पर सेल के अराउंड झाड़ू पोछा कौन लगाता है लिम्फ लगाता है जितना भी आपके डेड सेल हैं या सेल डेब्रिस है ना सेल डेब्रिस मतलब जो सेल मर जाते हैं उनका मलवा तो अगर उनका मलवा वहीं पर रह जाएगा तो वो फिर खराब होगा और खुद खराब होकर बाकी सेल को भी खराब कर देगा तो ये जितना भी सेल डेब्रेस ऑल क्रिएट होता है इन सब को लिम्फ अपने साथ कैरी करता है और एक्सक्रीट कर देता है और लिम्फ क्या कैरी करता है डब्ल्यू कैरी करता है डब्ल्यू बी सी इन इंटरस्टिशियल स्पेसिफिक बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं उसके बाद लिम्फ में होते हैं लिम्फोसाइट क्या होते हैं? बिल्कुल ये है डब्ल्यू बी सी है लेकिन ये लिम्फ खुद प्रोड्यूस करता है और लिम्फोसाइट क्या करते हैं बेटा कैंसर एस सेल को मारते हैं दे किल द कैंसर एस सेल कैंसर क्या होता है बताओ व्हाट इज कैंसर न? अर्चिता हार्दिक संकेत श्याम भवी इज कैंसर कैसी बीमारी है कैंसर बता दे यार भाई ये भाई बता दे यार भाई हम्म कैंसर में क्या होता है जो सेल होते हैं उसमें इरेगुलर ग्रोथ होती है मतलब वो बढ़ते ही जाता है वो मरने का नाम ही नहीं लेता वो न्यूट्रिशन पूरी बॉडी का खींच लेता है तो आपकी पूरी बॉडी कमजोर हो जाती है तो कैंसर इज वॉट नथिंग बट इेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल तो जो लिम्फोसाइट है यही कैंसर सेल को किल करते हैं और हमें कैंसर से भी बचाते हैं तो क्या क्या करते हैं सुन लो जितना भी वेस्ट है सेल डेबरिस है उसको कलेक्ट करते हैं या हटाते हैं स्पेस से इम्यूनिटी बूस्टर है इम्यूनिटी बढ़ाते हैं साथ में कैंसर सेल को किल करते हैं फिर एक पूरा लिम्फैटिक सिस्टम बनता है लिम्फ वेसल बनती हैं सार अचाम क्या करना है हम चाहते हैं कि जितना भी ब्लड से मटेरियल बाहर निकल गया वापस वो ब्लड में आ जाए तो ये सारी चीजें लिम्फैटिक वेसल में आती हैं फिर वेन में वेन में जाके मिल जाता है लिम्फ आपका तो ये प्रोसेस चलती रहती है आपकी बॉडी में तो बार बार लिम्फ आपका स्पिल होता है बार बार वो चीजों को क्लीन करता है फिर कचड़ा जाके वेन में पटक देता है और फिर वेन इसको एक्सक्रीट कर देती है इस प्रकार से काम करता है क्लियर है लिम्फ बेटा सबको क्या होता है लिम्फ क्या करता है जनरली बॉडी का इम्यून सिस्टम है बन जाएगा यस yes, सर ओके हार्दिक बन जाएगा बेटा संकेत yes, संकेत संकेत तो पढ़ा है खैर सब ओके चलो फिर आज के लिए इतना काफी है ठीक है अब अपने सारे टॉपिक हो गए अब अपना बस बचा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और उसके बाद किडनी और फिर चैप्टर खत्म तो दो दिन में चैप्टर हो जाएगा ठीक उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे का लाइट, लाइट के में बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा क्योंकि तो जो सबसे टफ पेपर आएगा आप में जो साइंस में वो लाइट के न्यूमेरिकल ही सबसे टफ देंगे देखना ठीक? तो ठीक? Okay, ठीक है तो फिर अपन कल पढ़ते हैं ठीक ओके सर चलो ठीक है ना ओके चलो बाय बाय टेक केयर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर बाय बाय गुड नाइट पढ़ लेना ठीक है मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा ओके चलो बाय सारा काम एंड